सो हाई गाइज, वेलकम टू माई चैनल एस्ट्रो ट्रैवल। होप एवरी वन इज डूइंग वेल। तो मैं हूँ इधर पद्मावती पार्किंग में पुणे। कैन सी सो मेनी बसेस सब पार्क। तो आज हम ट्रैवल करने वाले हैं फ्रॉम पुणे टू जलगांव, और हम ट्रैवल करने वाले हैं बाई दिस वॉल्वो आईचा स्लीपर बस। सो दिस इज इंडियाज फर्स्ट वॉल्वो आईचा AC स्लीपर बस। So I think Sharma Travels was the first, you know, for to have these Volvo Aicha buses. I think wo semi sleeper ya seater buses the. So ye jo Sangeetam Travels ka hai, that is purely AC sleeper. In fact unke jo bhi buses hai on Pune to Jalgaon routes, all are AC sleeper buses. So you can see look wise thoda bahut similar hai obviously. And agar if I show you sideways, you can see bus built by Volvo likha hai. However, ये जो है वो 13.5 मीटर्स की बस है। मोर ओवर अगर कुछ यू नो इंजन के बारे में कुछ शेयर करना है तो दिस इज़ अ 240 हॉर्स पावर इंजन। डिस्प्लेसमेंट आई थिंक 5132 cc रट्टा किया था मैंने। तो एक्चुअली अगर आप देखोगे सब संगीतम के बसेज हैं यहाँ पे सब संगीतम के ही बसेज हैं। पार्किंग में कुछ आई वॉज टोल्ड कि 25 बसेज संगीतम के ही है यहाँ पे। So here we have the crew of Sangeetam Travels as well. तो आपका नाम सर जी? अरुण पाटिल। अरुण पाटिल, आप कितने साल से चला रहे हैं संगीतम ट्रैवल्स के लिए? संगीतम में आपको 1.5 साल होगा, लेकिन मैं दूसरी कंपनी में था पहले। कौन से इसमें? मैं आसुरुचि में था, संताजी में था। अच्छा, तो विद इन महाराष्ट्र के इसमें? हाँ, विद इन महाराष्ट्र। और ये आपका बस है राइट? हाँ, ये मेरा फिक्स रूट है नंदुरबार। नंदुरबार, और ये कितने बजे निकलेगी यहाँ से? नंदुरबार का टाइमिंग है मेरा 7:30 बजे का। हाँ, 7:30 बजे। ओके, और आपका नाम? विनोद श्रीराम पाटिल। विनोद श्रीराम, आपका कंडक्टर है कि सेकंड ड्राइवर? सेकंड ड्राइवर। हाँ। तो ओके, आपको कितने साल हो गए? 6 महीने से। अच्छा, उसके पहले? श्री साई पे था। श्री साई या गरीब नवाज। ओके, तो एक्चुअली उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमको भी वीडियो में आना है, इसके लिए मैंने छोटा सा वीडियो निकाल दिया उनका। सो टोटल दो संगीतम एमरल्ड बसेज रनिंग है डेली। सो दिस इज़ दी 8:55 PM बस। दूसरी जो बस है दैट इज़ द 9:20 PM बस। तो ये 8 बजे 8 बजे निकलेगी यहाँ से पार्किंग से पद्मावती पार्किंग, और दूसरी जो बस है दैट वुड लीव बाय 9 PM फ्रॉम बोसरी। सो मैं क्विकली बस इन्फो शेयर कर देता हूँ। तो बस का फेयर आई थिंक इज़ अ बिट डायनामिक। नॉर्मली 1200 से स्टार्ट होता है, बट देन लास्ट मोमेंट पे थोड़ा कम होते रहता है। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन से टाइम पे बुक करते हो। नॉर्मली 1200 से स्टार्ट होता है। फॉर मी इट वाज लाइक 800, मुझे 800 पड़ा। तो ये बस का रूट रहेगा फ्रॉम पुणे, फिर जाएगा अहमदनगर, फिर छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद, फिर टूवर्ड्स जलगांव। ये जलगांव पहुँचेगा अप्रॉक्सीमेटली बाय 7:30 or 8 AM, एनी टाइम इन बिटवीन। टोटल डिस्टेंस है 415 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली, और जर्नी टाइम रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 11 आवर्स और सो। तो मुझे एक्चुअली बस क्रू से अभी पता चला कि टोटल 14 बसेस का ऑर्डर है ये न्यू बस एमरल्ड वाला वॉल्वो आईचा। सो अभी फ़िलहाल टोटल 4 ही है और 10 बाकी है आना। सो संगीतम ट्रैवल्स इज़ गोइंग टू हैव ऑल वॉल्वो आईचा बसेस सून। सो डेली अप्रॉक्सीमेटली 8 बसेस रनिंग ऑन पुणे टू जलगांव रूट ऑफ संगीतम ट्रैवल्स। तो अगर आपको ये वाली बस बुक करनी है तो यू जस्ट हैव टू चेक फॉर संगीतम एमरल्ड। मैं तो नॉर्मल जो है संगीतम बसेस आपको दिखेंगे, बट संगीतम एमरल्ड अगर देखोगे आप लिस्ट में वाइल्ड बुकिंग,
तो ये वॉल्वो एच वाला बस मिलेगा, वहाँ पे लिखा भी रहता है। आई मीन मैंने गोआई बीबो में चेक किया था, गोआई बीबो पेटीएम रेड बस वेरेवर वो मेंशन किया रहेगा वॉल्वो एच एसी स्लीपर बस, सो दिस इज़ दैट बस। सो लेट्स चेक द इंटीरियर्स, तो पहले कैबिन देख लेते हैं। सो इफ यू सी काफ़ी कॉम्पैक्ट लग रहा है पूरा, एकदम जैसे कार का डैशबोर्ड एकदम से कॉम्पैक्ट दिख रहा है पूरा। यो यू हैव द सेकेंड ड्राइवर का स्लीपिंग एरिया आई थिंक। यहाँ पे डॉक्यूमेंट रखने के लिए शेल्फ सीट, सो दिस इज द डैशबोर्ड। ये सब स्विचेस, एसी कंट्रोल, यूएसबी चार्जिंग, अच्छा इधर भी इमरजेंसी बटन है, ये रिवर्स कैमरा, व्हील अलाइनमेंट बाकी है, मोर स्विचेस। सो नाउ लेट्स चेक द इंटीरियर्स। सो द स्टैंडर्ड वॉल्वो एच इंटीरियर्स, सो बैक रेस्ट, मोबाइल होल्डर, यूएसबी चार्जिंग, रीडिंग लाइट, बर्थ लाइट, एसी वेंट्स, लगेज रैक। आई थिंक यहाँ पे फिर हैमर भी होगा। यस, सिमिलरली सेम कॉन्फ़िगरेशन, मोबाइल होल्डर, चार्जिंग पॉइंट्स, बैक रेस्ट, ब्लैंकेट्स वुड बी प्रोवाइडेड एज वेल एंड लगेज रैक, प्लस बीच में पार्टीशन भी है फॉर प्राइवेसी, जितना भी मिल सका। एंडिंग में यू हैव द फायर एक्सटिंग्विशर, इमरजेंसी एग्जिट, और ऊपर भी है इमरजेंसी एग्जिट के लिए। यहाँ लास्ट रो में भी सेम है, आई मीन यूजुअली ऑपोजिट साइड रहता है हेड का, बट ये साइड पे ही है। यहाँ पे चार्जिंग दिया है एंडिंग में, सो नॉट बैड, सब दिया है। ये लास्ट रो में भी सीटिंग जो है इस तरफ ही है टुवर्ड्स द ड्राइवर, नॉर्मली कभी कभी उल्टा होता है लास्ट रो में, बट यू हैव द चार्जिंग पॉइंट्स, मोबाइल होल्डर, सब सेम बाकी, प्लस यू हैव द इमरजेंसी बटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, हर एक बर्थ पे है। कैन सी यू हैव द ट्रैवल ऑपरेटर्स नेम एंड सीट्स भी मेंशन है वहाँ पे अपर एंड लोअर बर्थ्स का। अच्छा खासा पार्किंग है ये तो, सो यू कैन सी संगीतम संगीतम काफ़ी है। अभी थोड़ा चाय पी लेते बाहर, वो ट्रैवल करके थोड़ा सर दुखने लग गया है, तो अभी बस मुझे थोड़ा बहुत बन मस्का खाने का मन कर रहा है, तो आई एम जस्ट हेडिंग अ बिट अहेड। पार्किंग से जस्ट 3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे यू हैव चाय वाला, वड़ा पाव वाला, बन मस्का वाला ऑल्सो, मैं दिखा दूंगा। तो ये है पद्मावती स्टॉप, स्वार गेट से लाइक 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे बाय बस। तो ये सामने आपको यहाँ पे ईरानी चाय, बन मस्का, वो सब लाइट स्नैक्स मिल जाएगा, और बाजू में चाय, वड़ा पाव, मिसल पाव, महाराष्ट्र स्नैक्स मिलेगा। तो एक चाय लिया, ईरानी चाय 15 रुपीज़, और एक बन मस्का। इतना बड़ा है 40 रुपीज़ का, तो ये काफ़ी हो गया, अच्छा खास हो गया स्नैक्स। पे आपको चाय, स्नैक्स सब मिल जाएगा। तो ये बस पार्किंग भी है प्लस पिकअप पॉइंट भी है, सॉर्ट ऑफ वेटिंग एरिया, सब ट्रैवल ऑफिसेस भी है ट्रैवल एजेंट्स का, स्नैक्स कॉर्नर भी है, चाय भी है, वॉशरूम भी है, सब कुछ है। तो अभी बस बाहर लगाएंगे वेटिंग में, 7:30 हो गया है। गुजरात ट्रैवल्स वॉल्वो D11R ऑल्सो गोइंग, सॉरी नॉट ऑल्सो, गोइंग टू अहमदाबाद। वो आ रही है हमारी बस,
तो अभी यहाँ पे रुकेगी थोड़ा जो भी इधर से पैसेंजर्स आएंगे। सो यू कैन सी नेम ऑफ द बॉडी बिल्डर वॉल्वो आईचा कमर्शियल व्हीकल्स सीटिंग कैपेसिटी 38। का नाम पाटिल। आपको कितना साल हो गया सर ये इसमें संगीतम ट्रैवल्स के साथ? चार साल। और आपका ये रूट फिक्स था? हाँ, अच्छा। और इसके पहले संगीतम के पहले किस में थे आप? ब्लैक वॉइसेस। अच्छा, वो ब्लैक कलर वाला गाड़ी पर। हाँ। तो टोटल कितना ड्राइविंग एक्सपीरियंस हो गया आपका, कितना साल? 2012 से 2012। और आपका गांव कौन सा एरिया का आपका? गांव के पास सिरसोली बोल के गांव है। कौन सा? सिरसोली। ओके, वहाँ से। तो ये वॉल्वो आईचर का आपको ट्रेनिंग दिया गया था कि वैसे ही ऐसा कुछ सेम इसके लिए? पहले भारत बैंक चलाया। अच्छा, भारत बैंक से इसके लिए। ये भगोली फाटा के यहाँ पे 10:15 PM आगे पूरा ट्रैफिक है, बहुत पूरा ब्लॉक है आगे। देखता हूँ अभी जाता हूँ आके कैबिन में। फिलहाल तो सब पिकअप से चल रहा था, काफी स्पेस है उसे, नो प्रॉब्लम। ये आइल में फिर भी काफी स्पेस है, लाइक टू पीपल कैन क्रॉस ईच अदर आराम से, कंजेस्टेड नहीं है। ये भागोली के आगे जस्ट थोड़ा सामान बंद पर रहे, आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन। पीछे आरएलडी बस, काफी बसेस है ये रूट पे, बहुत बसेस गए अभी।
गया किसी को बाहर निकलने के लिए। PM, डिनर ब्रेक, कुंदापुरी एरिया। तो 5 तो संगीतम बसेस ही है यहाँ पे। सिर्फ एक चाय पी रहा हूँ, 10 रुपये का चाय है, नॉट बैड, रीजनेबल ही रखा है। और ये भी MRP पे वाटर बॉटल 20 रुपीस। श्री साई राम के भारत बेंस बसेस मस्त दिखते। तो कैबिन का थोड़ा मुझे वाइब्रेशन थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, आई मीन यू कैन सी द वाटर बॉटल न्यूट्रल पे। एक ये अच्छा दिया है साइड में ऐसा फ्लैप्स एक्स्ट्रा, ताकि वेंटिलेशन और मिले कैबिन में। बट देन जो मटेरियल है थोड़ा बहुत ऐसा लगता है जैसे वो मिनी बस है, वैसा लगता है थोड़ा बहुत कि कैबिन में थोड़ा हीट आता है। ये ऐसा बैठने के लिए ऐसा अच्छा एरिया, पूरा फुल स्क्रीन दिखता है वाइड। सो सरप्राइजिंगली चीज़ें नॉर्मली MRP पे ही है, पानी का बॉटल, इवन चाय जो था वो नॉमिनल 10 रुपीज़ जो नॉर्मल होता है, क्योंकि अदरवाइज जैसे ही सिटी से बाहर निकलते हैं सब लोग लूटना चालू कर देते हैं। सो जैसे मैंने बोला था, ये श्री साई राम मस्त बसेस है, ग्लाइडर्स ही भारत बेंस। ये कौन से NI3। एक और बस आ गई, तो ये वही है क्या? काफी बसेस है बाहर, बिजी टाइम। अभी निकलेगी बस थोड़े टाइम में, प्रशांत भाई कंटिन्यू करेंगे यहाँ से।
जस्ट वो घाट ख़त्म करके शॉर्ट लू ब्रेक के लिए रुके। अभी कुसुम्बा स्टॉप हॉल्ट 6:10 AM। आकाशवाणी 6:25 AM, ओरिजिनल टाइम था 7:25 का, तो एक घंटा जल्दी है। थैंक यू। सो
बस के क्रू ने मुझे जलगांव बस स्टैंड के सामने छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया फॉर माई कन्वीनियंस। सो बस के कैबिन में थोड़ा बहुत वाइब्रेशन है, थोड़ा बहुत आवाज़ आता है, बट वंस यू एंटर इनटू द बर्थ वहाँ पे एकदम स्मूथ है, यू डोंट फील एनी ऑफ द वाइब्रेशन। और जर्नी भी काफ़ी स्मूथ थी। तो सेकेंड एमरल्ड जो बस है वो काफ़ी पीछे ही है, आई थिंक वो ट्रैफिक में अटक गई थी बीच में। सो काफ़ी बसेस काफ़ी पीछे ही है, इसके लिए सुबह भी कुछ बसेस दिखे नहीं ऐसे ओवरटेकिंग्स में। तो बस 80 पे स्पीड लॉक होके भी एक घंटा पहले पहुंची है। आई मीन मोस्टली टू लेन रोड्स ही है, सो 80 आई थिंक इज़ इनफ, उससे ज़्यादा भगाने के लिए रास्ता भी नहीं है वैसा। आई मीन कोई हाईवे टाइप रास्ता या एक्सप्रेस वे रास्ता नहीं है, वे यू कैन डू मोर देन 80। एंड इनफैक्ट 80 पे रह के भी वी ओवरटुक सो मेनी बसेस ऑन द वे। सो नो वंडर ये रूट पे संगीतम यू नो वन ऑफ द टॉप ऑपरेटर्स है, एंड विद दिस न्यू बस आई थिंक सर्विस और भी बेटर ही होगी। डेफिनेटली अ बस टू ट्राई ऑन दिस रूट। सो ये सेकेंड वाली संगीतम। तो अभी देखते हैं यहाँ पे थोड़ा बस स्टैंड में थोड़ा फ्रेश होके मोस्ट प्रॉब्ली मुंबई निकलूँगा आराम से, रेस्ट वाला जर्नी। लेट्स सी, टेक केयर टिल देन।